मंदसौर जिले के शामगढ़ में प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर कांग्रेस द्वारा नीम चौक पर 2 घंटे के लिए किसानों के समर्थन में चक्का जाम किया गया एवं कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा वर्तमान देश की सरकार से किसानों के लिए बनाए गए कृषि बिल को रद्द करने की बात कही गई। कांग्रेसियों ने 2 घंटे के लिए सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया, काले कानून का विरोध कर रहे दिल्ली में धरने पर बैठे किसानों का समर्थन किया। साथ ही आंदोलन में जान गंवा देने वाले किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा। आपको बता दें कि यह चक्का जाम एवं धरना प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश में कृषि बिल को रद्द करने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस कमेटी की ओर से चक्का जाम का आयोजन किया गया था। 12 बजे शंखनाद के साथ शुरू करना था और 2 बजे शंखनाद के साथ ही हमने खत्म किया। ये जो किसान विरोधी है, जो काला कानून लाए हैं, इसके विरोध में हम लोगों ने चक्का जाम किया। और अगर अभी इस मोदी सरकार से हम चेतावनी देते हैं, अगर आगे इस कानून को निरस्त नहीं किया गया तो हम आगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। और सभी कांग्रेस के सभी कांग्रेस जन, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता, और सबसे बड़ी बात इसमें किसान भयंकर विरोध में है। किसानों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, किसान इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में उपस्थित है, उन सबको बात मानी जाए, उसको काले कानून को रद्द किया जाए और तुरंत प्रभाव से इसको खत्म करने की घोषणा की जाए। कांग्रेस के द्वारा आह्वान पर यह धरना आंदोलन चक्का जाम का आयोजन किया गया था। यह आयोजन इसलिए किया गया था कि केंद्र की किसान विरोधी सरकार द्वारा तीन कृषि कानून जो कि किसानों के हित में नहीं है, उनको लागू करने के लिए, जबरदस्ती लागू करने के लिए जो है उन लोग किसानों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। आज किसान आंदोलन का सिंधु बॉर्डर पर 51वां दिन है और 55 से 60 किसान वहाँ शहीद हो चुके हैं। अब इसके बाद भी किसान विरोधी कानून को अगर केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे। लगातार केंद्र की सरकार के खिलाफ सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजियाबाद बॉर्डर, जयपुर बॉर्डर, चारों बॉर्डर पर किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस सरकार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये आपका जो काला कानून है ये मंजूर नहीं है, फिर भी ये सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार को चेताने के लिए कि किसान के साथ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का हर नेता कार्यकर्ता खड़ा है, इसलिए आज हमने चक्का जाम किया है। अगर फिर भी सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती है तो हम इससे भी उग्र आंदोलन करने की चेतावनी सरकार को आज ही दे रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।